नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। राज्य में जारी विधानसभा चुनाव में मतगणना जारी है। सबकी नजरें जो है वो इसी पर टिकी है कि मतगणना का आखिर रिजल्ट नतीजे क्या आने वाले हैं। पंजाब में जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बंपर जीत हासिल की है, उसी तरह मणिपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सभी समीकरणों को गलत साबित करते हुए इस पूर्वोत्तर राज्य में अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी इस बार न सिर्फ अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करती दिख रही है, बल्कि पिछली बार की तुलना में 10 अधिक सीट भी अपने खाते में डालने में कामयाब हो रही है। मणिपुर में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भगवा पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल करने से भी आगे निकल गई है। 60 सदस्यीय विधानसभा में जारी मतगणना के आधार पर अब तक मिले रुझानों में बीजेपी को 31 सीट पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है और उसे महज 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 28 सीटें हासिल की थी और उसे इस बार 22 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इससे निष्कर्ष जो है वो ये निकलता है कि भाजपा ने मणिपुर में अपना परचम लहरा दिया है और भारी बहुमत से वो अपनी बढ़त हासिल कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।